आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका? दयानंद जी, कहाँ से हैं आप? बांका जिला। अच्छा, बांका जिला से। काम करने के बाद, यहाँ से सीखने के बाद आप पटना में ही काम करना चाहते हो या अपने जिला में जाना चाहते हो? अपने जिला में। गुड। आप किसी कंपनी के थ्रू काम ही करिएगा स्टार्टिंग में? चलिए, अच्छी बात है। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं, किसी कंपनी के थ्रू काम करना भी आपको मिल गया, काम भी मिल गया, और कंपनी ने आपको एक कॉल दिया कि भैया जाइए, इनका एसी खराब है और आप उनका ठीक करके आइए, तो हमको ये बताइए कि कस्टमर के घर में जैसे इनका, जैसे बाकी तो जैसे फ्रंट में पहले बात हुआ, फोन पे कस्टमर से बात होता है, बात होने के बाद फिर कस्टमर के पास जाया जाता है, कस्टमर के घर के पास जाया जाता है, तो आप कस्टमर के घर में इन कर गए, मतलब घर के पास आ गए हैं, तो वहां से प्रोसेस हमको बताइए। कस्टमर के घर में इन किए, कस्टमर का काम किए, कस्टमर के काम करने के बाद फिर आप आउट किए, कस्टमर घर से आउट हुए, तो ये इस दौरान में क्या क्या प्रोसेस होता है हमको प्लीज थोड़ा समझाइए और हमारे बच्चों को भी समझाइए। जी सर, हम अगर कस्टमर के घर पर पहुंच गए तो हम उससे पहले बेल बजाएंगे। कस्टमर आएगा तो उसके साथ, जैसे वो आगे जाएगा उसके साथ हम पीछे पीछे जाएंगे। अगर वो थोड़ा स्पीड में जा रहा तो हम उससे धीरे धीरे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हमको वो प्रॉब्लम बताएगा, उसके हिसाब से जो जो उसमें सामान लगेगा, अगर हमें इंडोर के लिए जाना है तो टेबल कुर्सी जो भी हमें मंगाना होगा उससे हम बोलेंगे और वो देगा। अगर जो वो प्रॉब्लम बताया, अगर हमको देखे तो दूसरा भी प्रॉब्लम हमको दिख रहा तो हम उसके सामने बोल देंगे कि सर आपका ये भी खराब है। अच्छा, आपके कार्य के अनुसार जैसे कस्टमर के एसी में कुछ और प्रॉब्लम है और उसके लिए वो कंप्लेन लिखवा चुका है, ठीक है, लेकिन आप जब वहाँ देखने गए हैं एसी, तो वहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम निकल गया, तो आप उनको पहले ही गाइड कर देंगे? अच्छा, ठीक है, आगे बताइए। पहले ही उसको गाइड कर देंगे, ठीक है सर आपका ये पहले करेगा, ऐसे जो भी वहाँ हमको दिखेगा तो हम उसको बोल देंगे। उसके बाद अगर उसका मर्जी होगा तो करवाएगा, अन्यथा हमको जिस कार्य के लिए गए थे वो काम करके चले आएंगे। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे देखो क्या होता है, दो चीज होता है, एक एसी जो है ना आपका इन वारंटी में होता है, एक आउट ऑफ वारंटी होता है। तो नहीं होता है कि हमारा ये एक प्रॉब्लम है तो हम इसको ठीक करवा लेते हैं और दूसरा से काम चल रहा है तो उसको हमको छोड़ दीजिए, अभी ऐसा होता है ना? तो अभी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा एसी नहीं चल रहा है तो हम उसको ठीक करा लिया, बाकी कुछ अलग प्रॉब्लम है जिससे हमारा कोई दिक्कत अभी नहीं है तो उसको छोड़ देता है कस्टमर। तो इनका कहने के अनुसार यही मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो कंप्लेन लिखा है कस्टमर ने, तो ये उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और दूसरा जो है जो प्रॉब्लम उनको दिखा वो कस्टमर को बता दिए, गाइड कर दिए। गाइड करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कोई बॉडी डैमेज है, कोई और पार्ट टूटा हुआ है और ये गाइड नहीं किए लेकिन बाद में कस्टमर को दिख गया, तो सारे इल्जाम किस पे लगेगा? टेक्नीशियन पे लगेगा। इसने क्या किया, पहले ही उनको बता दिया, अब क्या होगा, ये तो निश्चिंत होगा, कहीं दिक्कत है नहीं। अगर उनको बनवाना है तो ठीक है, नहीं बनवाना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आगे सर, आगे बताइए। जी सर, प्रॉब्लम ठीक होने के बाद तब उसके बोलेंगे कि अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद चले आएंगे। अच्छा, उसके बाद आप वहां से निकल जाएंगे। अगर कस्टमर का आउट ऑफ वारंटी है, पैसा लेना है तो पैसा लेंगे, आउट ऑफ वारंटी नहीं है तो क्या करेंगे, इन वारंटी में है तो क्या क्या वहां से लेना होगा? कंपनी का कॉल को कंप्लीट करने के लिए आपको कस्टमर के घर से क्या क्या चाहिए? उसका पहले बिल चाहिए। बिल चाहिए, और बिल में देखेंगे तो अगर इन वारंटी है। हाँ, इन वारंटी हमको कैसे पता चलेगा? बिल देखने के बाद। बिल में क्या रहेगा कि आपको पता चलेगा कि गारंटी में है? उसमें डेट रहेगा और जितना दिन का वारंटी। अच्छा, मतलब कि जैसे कोई प्रोडक्ट एक साल का वारंटी होता है तो अगर एक साल के अंदर में तो इन वारंटी है और एक साल से ऊपर हो गया तो आउट ऑफ वारंटी है। गुड, अच्छी बात है। और जब बिल के साथ और क्या चाहिए आपको? बिल के साथ वही रसीद जो होगी। रसीद तो चाहिए, और कुछ चाहिए क्या आप बता सकते हैं? ओटीपी चाहिए, जिसको ओटीपी आप कभी भी नहीं बोलिएगा। आप सीडीएन, देखो हर कंपनी में ये भाषा को चेंज किया जाता है, कहीं सीडीएन बोला जाता है, कहीं हैप्पी कोड बोला जाता है, कहीं सर्टिफाइड नंबर बोला जाता है, ठीक है। ओटीपी नहीं बोलना है, ओटीपी अगर बोलिएगा तो सीधा कस्टमर के दिमाग में आएगा कि मेरा पैसा निकालने वाला है, समझ में। तो आपको ओटीपी का इस्तेमाल, ओटीपी शब्द का इस्तेमाल नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि सर कस्टमर केयर से,
कंपनी का एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में 3 या 4 अंक का नंबर होगा जो हमारे कॉल क्लोज करने के लिए वो नंबर की जरूरत पड़ती है सर, प्लीज हमें प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम कॉल को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सर। और हमारे तरफ से अगर किसी तरह का और दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगी तो हम बता दीजिए, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देंगे। कोई और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा तो बताइए, हम सॉल्व कर देते हैं। नहीं तो सर ये मेरा नंबर है और बाकी कस्टमर केयर का नंबर भी आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं कभी भी दिक्कत हो तो सर हम आपके लिए हाजिर हैं सर, ठीक है। तो कस्टमर आपसे खुश हो जाएंगे और आपको कभी भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे। वहीं पे बनता है आपका स्मार्ट टेक्नीशियन, ठीक है, और वहीं पे आपका साइड इनकम बढ़ता है। जब कस्टमर के काम अच्छा से होगा, आपका नंबर कस्टमर सेव करेगा और फिर आपको क्या करेगा, जब उसका पर्सनल कोई काम होगा, पर्सनल एसी में खराबी होगा जो गारंटी से बाहर है, आपको बुलाएगा और कस्टमर फिर आपको पैसा क्या करेगा, देगा, ठीक है। थैंक यू।